नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिकवरी एजेंट आपको धमकी देता है कि EMI नहीं दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, कल तुम्हारे दरवाजे में पुलिस आएगी, तुम्हें उठा कर ले जाएगी, सीधे जेल में डाल देगी। और ऐसे आपको कॉल्स आते हैं जिसमें कि कहते हैं कि मैं इस थाने से बोल रहा हूं और आपको कल जेल हो जाएगी, वारंट इशू हो गया है और हम कल आपके दरवाजे पे आने वाले हैं। आपने कोई पर्सनल लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड लिया है, कोई ऐप से लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है, उस लोन में आपने डिफॉल्ट कर दिया है, आपकी अभी दो ही EMI बाउंस हुई है और बैंक की रिकवरी और ऐसे रैंडम कॉल्स आपको आ रहे हैं और इस कॉल के माध्यम से आपको डायरेक्ट जेल भेजने की बात की जा रही है, तो क्या आपको डायरेक्ट जेल हो जाएगी? दो EMI दिया नहीं कि जेल हो जाएगी, कल दरवाजे पे पुलिस आ जाएगी, पुलिस आपको उठाकर ले जाएगी थाने में, उसके बाद फिर आपको जेल में डाल देगी। तो जेल क्या होता है, कितने प्रकार के जेल हो सकते हैं, आज इसको भी हम डिस्कस करेंगे। रोज रोज का ये जो इन लोगों का नाटक है इसको एकदम खत्म करना है, क्लियर करना है। आप लोगों के मन में जो डर है, आप लोगों के मन में जो भय है, इसको एकदम जड़ से खत्म करना है। दो प्रकार से होती है जेल, एक होता है जब पुलिस उठा करके आपको थाने पे ले जाती है और जेल में बंद कर देती है, तो उस जेल में पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकती है। 24 घंटे के बाद आपको वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश उनको करना होगा। तो वो किस धारा में आपको जेल में रखेंगे, अगर बैंक ने FIR दर्ज कराई है तो जो भी FIR दर्ज होगी उसमें जो भी मामले बनेंगे वो सब बेलेबल होंगे। सिविल मामले में बेलेबल ऑफेंस होता है, लोन का मैटर होता है बेलेबल ऑफेंस होता है, और बेलेबल ऑफेंसेस में यानी कि बेलेबल अपराधों में वारंट की जरूरत होती है, और जो ये वारंट होता है ये लोन के टुटपुंजीय रिकवरी एजेंट, बैंक के टुटपुंजीय रिकवरी एजेंट नहीं जारी कर सकते, ना ही बैंक के मैनेजर के पास इतनी हिम्मत है कि वो वारंट इशू कर दे। वो एक मैनेजर बन गया है, उसकी हालत इतनी नहीं है, उसकी बुद्धि और उसकी बौद्धिक क्षमता इतनी नहीं है कि उसको ये भी नहीं पता है कि वारंट कौन इशू करता है, वारंट कब इशू होता है, वारंट किन मामलों में इशू होता है। बस फोन उठाया, धमका दिया और आप डर गए। डरना बिल्कुल भी नहीं है, जेल वेल नहीं होगी, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरा जो जेल का टाइप होता है वो होता है जब कोर्ट आपको जेल भेजती है, तो वो होता है आपका जुडिशियल कस्टडी। एक होता है पुलिस कस्टडी, दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी में पुलिस आपको 24 घंटे के बाद न्यायालय में पेश करती है, कोर्ट में पेश करती है। जुडिशियल कस्टडी में जो भी मजिस्ट्रेट आपको जितने दिन की भी जेल देंगे वो अलग होता है। तो ये जो धमकी देते हैं, ये जो फोन करके कहते हैं कि आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है, आपको जेल हो जाएगी, पुलिस दरवाजे पहुंच रही है, कल हम लोग फोर्स के साथ आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके नाम पे वारंट इशू हुआ है तो उसके पहले आपको समन आएगा। समन तब आएगा जब आपका अकाउंट NPA होगा। अकाउंट NPA नहीं होगा तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनेगा। अगर ऐसा कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा तो उसके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी एक केस फाइल होगा। तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कानों में, इसको आप घोल लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आपकी दो EMI बाउंस हुई है, आप डर गए, आपको NPA भी की नोटिस भी नहीं आई है, तीन EMI बाउंस होगी तब जाके अकाउंट NPA होगा। NPA के एक हफ्ते के बाद ये आपको रिकॉल नोटिस भेजेंगे। NPA के बाद जब रिकॉल नोटिस आ जाएगा, आप उसका जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है कि ये चेक बाउंस का मुकदमा करे, हो सकता है कि ये ECS बाउंस का मुकदमा करे, हो सकता है कि ये आपके ऊपर 400BC का जो मुकदमा आजकल फैशन हो गया है करना वो करे। उसके लिए भी इनको एक महीने पहले अपने लीगल एडवाइजर यानी लीगल पैनल से, लीगल एडवोकेट से, एडवोकेट के माध्यम से एक वार्निंग नोटिस आपको भेजनी इनको जरूरी है,
जो कि 30 दिनों पहले भेजी जाएगी। यानी कि जो भी केस फाइल करेंगे उसके 30 दिनों के पहले, यानी कि 30 दिन पहले आपको एक वार्निंग नोटिस ये देंगे कि आप अपने बाउंस हुए ईएमआई का भुगतान 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन के अंदर में कर दीजिए, अन्यथा हम आपके ऊपर इस मामले में, इस कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। तो 30 दिन का ये भी समय होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये 30 दिन को फॉलो नहीं करें और आपका अकाउंट एनपीए नहीं है और डायरेक्ट जाकर ये कोर्ट में केस कर दें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कोर्ट में केस करने के लिए दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर डॉक्यूमेंट्स इनके पास प्रॉपर नहीं है तो केस रजिस्टर नहीं होगा। केवल फोन से धमकी देने से ही आपके दरवाजे पे पुलिस नहीं आ जाएगी। पुलिस को भी अपनी नौकरी प्यारी है और इनके चक्करों में, इन बंदरों के चक्कर में आकर के वो अपनी सरकारी नौकरी नहीं गंवाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके के फोन आए तो समझ लीजिएगा कि ये झूठ है। अगर पुलिस वारंट के बारे में बात करती है तो पहले आपको समन आना चाहिए। अगर समन आए हुए आपको 1 महीना बीत गया है और पुलिस वारंट के लिए बात करेगी, तो ऐसे मामले में आप अपने एक एडवोकेट के माध्यम से उस थाने पे जा करके संबंधित अधिकारी के सामने आप बेल करा सकते हैं। वहां से भी आपका बेल हो जाएगा। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप न्यायालय में पेश हो सकते हैं अगर न्यायालय का वारंट आया है तो, लेकिन डायरेक्ट वारंट आ जाएगा और इनके कहने पे पुलिस आ जाएगी तो ये सब झूठी बातें हैं, ये सब अनर्गल बातें हैं। आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना, अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।